भैया इतने बड़े बड़े जानवर गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अरर महादेव, सभी को वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस अभी हम लोग हैं फाइनली जयपुर रोड पे, तो अंदाजा लग गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अपनी सिटी से प्यारी सी तो हम लोग निकल रहे हैं जयपुर। मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है और जिसके साथ मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग किया था नारगढ़ फोर्ट, मेरे चैनल पर देखना आप लोग। तो मैं उसके साथ ही गया था उधर, मतलब साथ नहीं गया था, सॉरी, पहले उसके पास गया था। तो बस अपनी गाड़ी वाड़ी लग गई है, हम लोग अमोली टोल पर पहुंच गए, निकलते हैं। मेरे साथ दो तीन भाई आई हुए, उनसे मिलवाता हूँ आपको। चलो तो गाइस एज यूजुअल लक्ष्य मेरा शुभम अरोड़ा, अरे भाई नया आया है गौरव भाई, हम चारों भाई जा रहे हैं अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में मोहित भाई की। तो बढ़िया अरे तो गाइस दोसा आके रखू है यार, थकान हो रही है मेरे को तो, मतलब गाड़ी चला के नहीं, वैसे मैं दो दिन से सोया नहीं हूँ एडिटिंग के चक्कर में। तो ये रहा दोसा का चौराहा, दोसा का यहाँ पर कुछ खाते पीते, मोरा भैया सामने सुसू कर रहा है, भाई चले कुछ खा लेंगे। तो गाइस हम लोग जयपुर में एंट्री कर चुके हैं चारों भाई, यहाँ से आ रही है ट्रेन चला रहा लक्ष्य भैया, क्योंकि हमने बाहर निकाल दिया इसको गाड़ी से। तो लक्ष्य भैया बैठा हुआ, वो बैठा हुआ सामने कहा, वो बैठा। अच्छा वो ट्रेन, अब तो गया इंजन, गया इंजन, इंजन गया भाई, अब तो लोको पायलट। तो लक्ष्य भैया वापस भरतपुर जा रहा है ट्रेन लेके, लक्ष्य इधर भैया को इज्जत, इधर भैया को इज्जत नहीं मिल पा रही है, लक्ष्य को लोको पायलट का। तो गाइस प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं, वैसे शादी कल की है, हम लोग अजमेर रोड पर आ गए जयपुर क्रॉस करके, यहाँ आगे एक होटल है, वहाँ खाना वाना खाएंगे पहले। कैसा लग रहा है 5 घंटे की ड्राइविंग करके, एकदम कूल। क्या गाड़ी चला के कैसा लगा, क्या लग रही है भाई, क्या टूटेंगे, सब कुछ खा पी लिया ना, मतलब पी लिया खा लिया सब कुछ, पानी वानी कोल्ड ड्रिंक दे। अच्छा सोचो यार, मैं गलत नहीं बोल रहा, गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, 4-5 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते। हम लोग हैं इस टाइम अजमेर रोड पे, सुसु आ रही है बहुत जोर से, ढाबा पड़ा है यहाँ पर महादेव ढाबा, मतलब गाड़ी भी खा रुकी है यार एकदम महादेव ढाबा पर, गाड़ी में हवा भी डलवा रही है, भारी भारी लोग बैठ गए गाड़ी में, सुसु आ रही है, सुसु सुसु करेंगे। चलो बाय बाय, ये भी आ गए दोनों भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जिस भाई की शादी थी, गाड़ी भी खड़ी कर दी है, ये रहा भाई का घर और इधर ही शादी है पूरी। हम लोग आधे घंटे पहले पहुंच गए, मैं गाड़ी से कॉपी लेने गया था, उससे मेरे को मंत्र वगैरह लिखने थे बाबा की, मतलब सोने से पहले मैं लिखता था आप लोगों को सुबह मिल जाऊँगा, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है, मैं सब लोग सो ही गया, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और नींद आ रही है, बस अब सोएंगे जल्दी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, यार धूप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग कितने बजे उठे हैं आज। देखो एक तो रात को हम लोग सोए थे, लगभग रात को क्या सुबह सोए थे, बहुत टाइम बाद मिले हम लोग, वाला 1.25 साल बाद मिला है मुझसे, मतलब मोहित हमसे, तो एक लेट सोए थे, सुबह ही सोए, मतलब सुबह 4-4:30-5 बजे तो सोए हम लोग, बातें बातें कर रहे थे वहाँ ऊपर बैठ के, बहुत लेट सोए। और फिर मैं बीच में व्लॉग कर नहीं पाया, फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, और बीच में हम लोगों को यहाँ से, मतलब हम लोग जयपुर से थोड़ा सा आउट आए हैं, यहाँ से वापस से हम लोगों को जयपुर जाना था, इसके कोई रिलेटिव आ रहे आए हुए थे तो उनको लेने जाना था जयपुर जंक्शन। तो हम लोग जयपुर से आउट हम लोग आए हुए हैं, वैसे बगरू मतलब जयपुर से लगभग 30-35 किलोमीटर आगे है, और इनकी घर से, मतलब मोहित की घर से व्यूज देखो यार कितने, अरे ये कहाँ जा रहा है भाई, भैया यार भाई को अकेला छोड़ के जा रहे हैं, देख लो गाइस कितने प्यारे व्यू है यार, रात को ऐसी शानदार चिल हवा चलती है एकदम मस्त, और हम लोग नीचे नहीं सोते, हम लोग यहां ऊपर छत पर सोते, उधर यहां से चढ़ के गए ऊपर आराम से सोए, बड़ा मजा आया, गद्दे में डाल के अलग ही फील आती है, जब बहुत टाइम बाद भाइयों से मिलते हैं ना तो बहुत मजा आता है सच में, ये पूरा मतलब आसपास का ऐसा एरिया, और वो सामने आपको दिख रही है ना, वो सामने वो है मणिपाल यूनिवर्सिटी। चलो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 1:30 बज रहा है, चलते हैं नीचे। हेलो दोस्तों, हम निकल गए हैं दोबारा एक और अपने रिलेटिव को लेने के लिए, और वैभव भाई की शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं डाइट,
कभी किसी को लेने जाओ, कभी किसी को लेने जाओ। दिन से तो वैसे नहीं, सो एडिटिंग के चक्कर में एडिटिंग कर रहा हूँ रात भर, और फिर ये साला बनिया कभी किसको लिया भाई, इसको लिया भाई, उसको लिया। पर आप जिस जिस पर्सनैलिटी को हम लेने जा रहे हैं वो अलग ही है यार, वो अलग ही लेवल है। उनका नाम है दिस लॉकी गुरु। तो गाइस हालत देख रही होगी चेहरे की, चेहरे से मेरी क्या हालत हो रखी है भैया। गियर तो बदल दे कम से कम, बैठे बैठे इतना तो कर सकता भाई के लिए। तो गाइस सुबह से गंदी और गंदी, बहुत गंदी वाली शक्ल लेकर हम गाड़ी चला रहे हैं। सुबह से लेने आए हुए हैं किसी को, मुझके रिलेटिव को, किसी कोई आया हुआ है, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। अभी तक कोई मिल नहीं रहा है। सुबह से नहाए नहीं हम, और समय हो रहा है लगभग 2 से 2:15। वो खड़ा भैया पता नहीं किसको ढूंढ रहा है। इनकी मैं आपको एक्टिंग दिखाऊंगा, जो ग्रीन शर्ट में है ना उनकी एक्टिंग दिखाऊंगा, आप देखते रह जाओगे इतनी मस्त एक्टिंग। तो गैर 6 चक्कर लगा चुके हैं हम लोग, छठवा चक्कर था ये मेरा। वो खड़ा भाई, दवाई लेने आए हम लोग, सर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज्यादा। भैया कैसा लग रहा है 7वां चक्कर लगा के? इधर तो देख बता, गर्मी मर गए भाई। गैर देख रहे हो 7वां चक्कर, और जस्ट अभी अभी आया हूँ मैं, जस्ट आके बैठ ही था, ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड रूम हो रहा था एसी वाला, फिर उठा दिया इन्होंने भाई। फिर चल भाई आज के बाद आऊँगा नहीं इनकी शादी में, फिर शादी तो एक बार ही होती है। खैर शादी लास्ट सही है, बुलाया होगी तो क्या, शादी भी लास्ट का कोई बुलाया होगा नहीं तो ये कौन को तो ये क्यों लास्ट शादी घर में, इनके बच्चों की तो होगी, इनके बच्चे बूढ़े हमारे बच्चे आएंगे शादियों में। वैसे भैया गलत नहीं यार, हमको ऐसे 15-20 चक्कर लगा दिए इन्होंने, पूछे मत यार। और हमारे हमको पूछ, हमारी इज्जत होनी रही यहाँ पर, बिल्कुल थोड़ा ये भाई साहब आ गए लोगी गुरु, तुमने 7 चक्कर लगा दिए यार बगरू के। ये बताओ ये अच्छी बात है कोई इतना? नहीं मैं तो बनाऊंगा गुरु, जूम कर कर बनाऊंगा, तुम्हारी प्यारी सूरत आ रही है इसमें। अरे रहने बंद कर दिया, आ रहा है वो भैया भी, उसको लेके उसको दे दिया मैंने पैसे, दबा दिए मैं फ्री का। यार मजा लेवाओगे तुम, चीयर वीयर करोगे यार। चलो हो गया हो गया, आ जाओ। तो गाइस सनसेट का टाइम भी हो गया है, और शाम के बज रहे हैं 7, बस भाई की बारात चलने वाली है। ये क्या है बगरू, जयपुर से थोड़ा सा आउट है, मैंने बताया था आप लोगों को अभी ब्लॉग में, देखो बोरी मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये ना थोड़ा गांव गांव वाला फील है, और बहुत प्यारा, और इतनी प्यारी हवा चल रही है सच में यहाँ पर, इतना प्यारा मजा आ रहा है यहाँ पर। मैरिज होम वगैरह मतलब 3-4 मैरिज होम है इधर बगरू में, वो सारे बुक थे, तो इन्होंने इसके घर के पास एक जगह थी, इन्होंने सारा सेटअप यहीं लगा लिया अपना, अभी डेकोरेट हो रहा है पूरा। बाकी बहुत मजा आ रहा है, मतलब जो फील आता फील होती है ना एक बहुत प्योर वाइब्स और बहुत पॉजिटिव फील होती है वो आ रही है इधर। हम लोग रात में वहाँ पर सोए थे, मैंने आप लोगों को बताया था, इतनी प्यारी इतनी शानदार हवा चल रही थी वहाँ पर। गाँव गाँव, और ये क्या घोड़ा, वो घोड़ा खड़ा है यहाँ, वो देखो देसी स्विमिंग पूल, उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसको। यार लौंडा क्या फील दे रहा है घोड़ी पे बैठ के, मस्त एकदम। अरे शादी वादी करने में मजा आता है क्या, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, सवाल बहुत अजीब है पर फिर भी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो गाइस ठीक है शादी वादी अपनी तरफ है, पर इससे ज्यादा और हमसे नहीं होगा भाई। अब आ रही है नींद, और टाइम हो रहा है लगभग रात के 12:30, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बहुत काम वाम करवा लिया, कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए, हम लोग उसी जगह पर आ गए हैं गद्दे वद्दे डाल के सोने, शानदार हवा चल रही है सच में। और ये देखो ये रहा पूरा नीचे शादी वादी का, ओहो भाई। भैया कैसा लग रहा है? एकदम बकवास, तेरा पबजी जिंदगी खराब कर देगा तेरी। बता तो दे कैसा लग रहा है, शादी कैसी हुई भाई? शादी में बिल्कुल मजा नहीं आया भाई, शादी में बिल्कुल मजा नहीं आया भाई, शादी में बिल्कुल मजा नहीं आया। और
और कुछ नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है, पूछो मत ना। बोल ले यार ढंग से यार एक बार यार। अरे गाइस मैं पबजी खेल रहा हूं, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, पबजी खेल रहा हूं, लगा लो। कैसी शादी होगी? खाने खाने को भी कुछ नहीं मिला। और भाई हमने तो कुछ खाया भी नहीं, मैंने तो बस तीन डोसे, दो प्लेट चाउमीन वगैरह खाई है, और मैंने तीन रोटी खाई और दो तीन दोनों दूध पकौड़ी, बस इतना ही खाया, खाना खाया नहीं फिर हमने। इतनी भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खाया यार। तो गाइस मैं किसी काम से नीचे आया था, देखो जेल हो रही है सामने दो बंदों को, मोहित को और उसकी वाइफ को जेल हो रही है, देखो मतलब मोहित को ही हो रही है। मैं तो अपनी गाड़ी में से कुछ सामान वामान लेने आया था। गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस सुबह सुबह भैया को पोटी लगाई है, सुबह सुबह भैया कितना हो गया, मैं कह रहा हूँ तू फ्रेश वहां पर फ्रेश भी नहीं हुआ, एक बार रीजन दे दे ऑन कैमरा प्लीज, देखो मेरी कसम है। कभी कभी ब्लॉग में नॉन वेज भी जरूरी है। अरे गौरव जी ये बता दो, इनको ले आ रहा हूँ तबियत से, कोल्ड ड्रिंक पीने पूछा था इनसे, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक खत्म, कोल्ड ड्रिंक पी रहा एक बार बता दे, अरे बता रहे मैं फ्रेश क्यों नहीं हुआ घर पे, जो अंकल नहीं थे हमसे पहले खड़े थे अंदर घुसते, देखो भाई उनका मान उनको ही दिया है ना, यार दे दे समझ दिया क्या दिया है तो गाइस हम लोग टोल पे रुके हुए हैं, सिकंदरा टोल पे, 12:30 टाइम हो रहा है और हम लोग उठे बहुत लेट थे, थक गए थे बहुत ज्यादा। तो गाइस हम लोग यहाँ पर भैया को भाई को फ्रेश होना था, तो ये पर टॉयलेट देख रहा है कितना बड़ा टॉयलेट है भाई, क्या है भाई, यहाँ नहीं हो पाएगा भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है यार, हंसी देखे थी हंसी। तो गाइस बात तो बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, हम लोग आ गए अपनी गाड़ी में, हम निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा गर्मी है सच में यार, टेम्परेचर है इस टाइम 65-30। भाई बैठो फटाफट यार, ये लगा रहे समय। तो गाइस हम लोग अभी भी जस्ट घर पहुंचे, टाइम हो रहा है लगभग 3 से 3:15 बजे, बढ़िया शादी हो गई हमारे भाई की, बट मैं हम लोग उससे सुबह मिल नहीं पाए क्योंकि वो बिजी था थोड़ा, मतलब विदाई का ये रस्म होती ना उसमें बिजी था, हम लोग अभी भी घर पहुंचे बस, अब गाड़ी वाड़ी धुलवा के लानी है फिर, मतलब अभी गाड़ी लेकर ही जाता धुलवा के लानी है, थक गए बहुत ज़्यादा यार, दो दिन से अच्छे से सोए भी नहीं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना, जैसे सारे ब्लॉग्स को प्यार देते ऐसे इसको भी देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर, जय महाराज।